ओके तो हम बात कर रहे थे इसकी डिसएडवांटेज के बारे में कि अगर आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया गुस्से में, ठीक है, जो अगेंस्ट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, अगेंस्ट द लॉ, देन यू हैव टू बी रिग्रीट लेटर. रिग्रीट लेटर इट मीन्स आपको बाद में माफी मांगनी पड़ सकती है, आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है. तो वेन एवर यू आर पोस्टिंग समथिंग, देन फर्स्टली यू शुड थिंक एंड रीड आफ्टर राइटिंग द ब्लॉग्स, देन यू कैन पोस्ट इट टू द वेबसाइट. क्योंकि जो आप पोस्ट कर रहे हैं दैट इज पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल द पर्सन, कोई भी आपके ब्लॉग्स को पढ़ सकता है. देन यू हैव टू थिंक बिफोर पोस्ट इट. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एडवांटेज है, इजी सेटअप, नॉट नीड टेक्निकल नॉलेज. मैंने आपको बताया इफ यू वॉन्ट टू मेक योर ब्लॉग्स, इफ यू वॉन्ट टू पोस्ट योर ब्लॉग्स, देन ओपन द ई ब्लॉगर वेबसाइट विच इज फ्री, फ्रीली अवेलेबल. मेक योर अकाउंट एंड राइट द ब्लॉग्स देयर. द स्पेस इज अवेलेबल टू राइट द ब्लॉग्स, देन इट इज इजी टू एवरी पर्सन हु इज नोन टू ऑपरेट द इंटरनेट. ओके, द पर्सन हु नोज हाउ टू ऑपरेट द इंटरनेट कैन easily make the blogs and post the blogs. Next is blogs. इसकी जब अगर हम disadvantages के बारे में बात करें तो blogs are personal thoughts, so they may be biased or inaccurate. Biased का मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे thoughts कुछ और हैं, आपके thoughts कुछ और हैं. They are indifferent to each other. They are different to each other. They are not similar. एंड और inaccurate. मैं सोचता हूं अपने अकॉर्डिंग कि ये चीज सही होगी, आप सोचते हैं ये चीज ऐसी होगी, तो दे आर नॉट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. कोई किसी ने कोई बात कहीं सुनी, उसको पोस्ट कर दिया, तो हम उसको जब तक उसको पूरी तरह से अप्रूव ना कर लें, उसको पूरी तरह कोई सेम मतलब उसको ना बता दे कि हाँ ये चीज ठीक है, तो उसको आप पूरी तरह से एक्यूरेट मत मानिए. वो blogs are just the views or the thoughts of the person they are posting, so blogs are not inaccurate. Blogs are inaccurate. Next, easy to add new post. So it is easy, just log into your account, write the blogs and post it. Time consuming and bored. Sometimes आप देखते हैं कि आपको कभी कभी person blogs लिखते 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 they feel he or she feels bored, ठीक है, उसको लगता है ये बहुत ज्यादा time consuming हो रहा है, then he just feeling bored while writing the blogs. Next is people leave comments. अब आप देखिए कि आपके ब्लॉग्स को कोई पढ़ रहा है. अब मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप जो वहां पर कमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, but should be careful whenever you are writing the comments that ऑल्सो भी वॉचेबल कि उन कमेंट्स को भी कोई पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, तो आप उनको उस कमेंट्स को जो वहां पे लिख रहे हैं वो भी ध्यान से लिखें. ये इसकी एक डिसएडवांटेज है. रूड एंड इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स. कभी कभी लोग किसी के पोस्ट के ऊपर इस तरह से अपना कमेंट लिखते हैं, डेट इज ऑल्सो अनवॉन्टेड और कह सकते हैं विच इज अगेंस्ट समथिंग. सो तो whenever the people leave the comments that may be rude and inappropriate comments, ठीक है, तो whenever you are reading anything, whenever you are reading the blogs of any person, then keep in mind, then you should be leave appropriate comments, not inappropriate. Okay, this is all about the blogs, ठीक है, और मैंने आपको कुछ notes भेजे हैं, उनको पढ़िएगा और यहां इसको समझिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस वेब एड्रेस. ओके.